हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मैं सारिका, सारिका ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूं। तो ये देखिए, मैं आज फिर से आई हूं एक नई रेसिपी लेके। ये देखिए, मैं ये हरा मिर्च है। आज मैं आप लोगों को मिर्च का, हरे मिर्च का अचार बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और उसको मतलब कि तुरंत उसको आप खा भी सकते हैं। ये हमने 100 ग्राम मिर्च लिया है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसको पंखे के हवा में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो सब सूख जाए। ऐसे भी अभी फ्रेंड्स गर्मी का दिन है तो कोई भी चीज़ जल्दी सूख जाता है। तो ये देखिए पानी है, इसमें पानी का एक भी अंश नहीं होना चाहिए। और सारे मिर्च का हमने डंठल तोड़ दिया है, डंठल जो है ना अलग कर दिया है। इस तरह से आप सबसे पहले धो के मिर्च को हल्का सा हवा लगने दें ताकि पानी नहीं रहे, उसका सारे मिर्च का डंठल तोड़ तोड़ दीजिए। और ये देखिए इसमें मैं क्या क्या मसाला डाल रही हूँ और क्या क्या। ये है मेरा काला नमक जो स्वाद के अनुसार देंगे, और ये सादा नमक भी है जो दोनों मिला के देंगे, तो उसमें जितना हमको ज़रूरत रहेगा उस अनुसार। और ये सौंफ है, मेरा मोटा वाला सौंफ है। ये थोड़े से हल्दी पाउडर, ये कलौंजी है, ये थोड़ा सा धनिया है, ये अजवाइन है, और ये पीला वाला जो सरसों होता है वो है फ्रेंड्स, और ये कुछ मेथी दाना है, और ये मेरा हींग है। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ कि इस मिर्च को मैं दिखाती हूँ कैसे इसको काटना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस मिर्च को हम इस तरह से बीच से चीरा लगाएंगे, जो कि फुल पूरा मिर्च नहीं काटेंगे, इस तरह से यहाँ पे ऐसे सटे रहने देंगे, इतना पोर्शन मेरा सटा रहेगा। और इस तरह से हम सारे मिर्च को काट के रख ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से सारे मिर्च को काटना है, बीज निकालने की जरूरत नहीं है ऐसे। ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स इसमें मैं मिर्च पाउडर नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा तीखा वाला मिर्च है। अगर आपका मिर्च कम तीखा है, आप तीखा पसंद करते हैं ज़्यादा, तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी दे सकते हैं, मैं नहीं दे रही हूँ इसमें। इस तरह से हम सारे मिर्च को काट ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे मिर्च को काट लिया है। अब मैं ये अभी साइड में रख दे रही हूँ, अब दिखाती हूँ अगला प्रोसेस। ये जो हमने खड़ा मसाला लिया था, सौंफ, मेथी और सरसों का दाना, पीला सरसों का दाना, और ये धनिया, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर ले रही हूँ कि गर्म हो जाए, तो उसको मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। हमने ये चढ़ा दिया है कलछुल, और इसमें मैं सारे मसाला को रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे मसाला का क्वांटिटी कम है, इसलिए मेरा इसमें हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं तो मसाला ज़्यादा, तो आप कढ़ाई वगैरह में या फ्राई पैन में रोस्ट कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा था इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये मैं इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, गर्म हो गया है मेरा। धनिया को थोड़ा सा इस तरह से चला लीजिए, ज़्यादा नहीं भूजने की ज़रूरत है, हल्का सा। जब मसाले में से खुशबू आने लगे तो इसको बंद कर दीजिए। अब मैं इसमें पीला सरसों डाल रही हूँ, इस तरह से इसको हल्का हल्का चलाना है। और ये मेथी दाना, और ये जो सौंफ हमने लिया है उसे भी इसी में डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से, अब मेरा ये मसाला गर्म हो गया है, इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगा है। अब मैं इसे बंद कर दे रही हूँ गैस को। और ये जो मसाला मैंने गर्म किया है, रोस्ट किया है, इसको एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा हल्का, तो इसको मैं मिक्सी जार में दरदरा इसको पीसूंगी। ज़्यादा एकदम फाइन नहीं बनाना है, फाइन महीन नहीं करना है, इसको दरदरा इसको हमको पीसना है। मेरा ये मसाला ठंडा हो गया है, अब मैं इसे मिक्सी जार में डाल के हल्का सा दरदरा इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाला को इस तरह से दरदरा, इस तरह से ये देखिए इस तरह से पीस लिया है। अब मैं एक बाउल ले रही हूँ, इसमें मैं सारा मसाला डाल के दिखाती हूँ कैसे करना है। ये देखिए इसमें मैं सारा मसाला निकाल ले रही हूँ इस तरह से, और ये नमक डाल रही हूँ इसी में स्वाद के अनुसार, जितना आपका मिर्च का क्वांटिटी है उस अनुसार आप डालिएगा। और ये काला नमक, हल्दी पाउडर, ये है अजवाइन, जिसको मैं हाथ पे इस तरह से क्रश कर ले रही हूँ, उसके बाद डाल रही हूँ। और ये कलौंजी,
थोड़ी सी, ये जो हींग लिया है मैंने, थोड़ा सा हींग इस तरह से। फ्रेंड्स जितना हमने सूखा मसाला डाला था सबको इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लीजिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें खट्टा होने के लिए मैं विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप नींबू डाल सकते हैं। इस तरह से विनेगर डाल रही हूँ मैं, और इसी में तेल डाल रही हूँ। तेल ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद इसको फिर से इस तरह से मिक्स कर लीजिए ऐसे। ये देखिए, इस तरह से मसाला मेरा मिक्स हो गया है। अब ये जो हमने मिर्च काट के रखा था इसको मैं इसी में डाल दे रही हूँ। बहुत इजी है फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइएगा और ये तुरंत बन जाने वाला अचार है। इसको फिर आप 10 मिनट छोड़ दीजिए, 10 मिनट अच्छे से उसका नमक और खट्टा चला जाए मिर्च में, उसके बाद आप खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ। ये देखिए मेरा मिर्च का अचार बनकर तैयार है। कैसा लगा मेरा रेसिपी फ्रेंड्स बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको ठीक लगेगा वो भी। जो अगर मेरे वीडियो में कुछ ऐसा आपको कमी लगेगा उसके बारे में भी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए, वीडियो में डालूं नया रेसिपी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जा सके। इस तरह से आप भी बनाइए फ्रेंड्स, मिर्च का अचार झटपट बन जाता है। ये देखिए मेरा अचार बनकर तैयार है फ्रेंड्स। मेरा जो ये अचार बन गया है, अब मैं इसे एक छोटे से जार में रख दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों तक रहेगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बना रहे हैं तो उसको अच्छे से एयर टाइट जार में रख सकते हैं, वो आपका ख़राब नहीं होगा। क्योंकि इसमें पानी पानी का थोड़ा सा भी अंश नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा कि पानी के हाथ से या फिर टच नहीं करें अचार को, तो आपको बहुत लंबे समय तक आपका अचार सेफ रहेगा। तो अब मैं इसे जार में कर दे रही हूँ। मेरा अचार तैयार हो गया है। इसको कभी भी आप खाइए, कुछ किसी कुछ रोटी के साथ या चावल के साथ, तो आप निकालिए और खाइए, क्योंकि ये तुरंत तैयार हो जाता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे धूप में रख सकते हैं। मैं तो धूप में नहीं रखती हूँ, लेकिन क्योंकि ऐसे ही ये ज़्यादा क्वान्टिटी में तो बनाई नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।